एक और लेक्चर को देखेंगे, और ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन पॉलिटिक्स पे, खास तौर पर पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड में। वो ये जो लास्ट लेक्चर में हम कोल्ड वॉर डिस्कस कर रहे थे, उसका एंड हो गया, सोवियत यूनियन टूट गया, उसमें जो रिपब्लिकन्स बने वो उसमें जो है वो यूगोस्लाविया था, ठीक है, इसी तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज हमें दिखते हैं, इसी तरह ये यूक्रेन, इसी तरह ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इटालिया, ये सारे कंट्रीज, लिथुआनिया वगैरह, ये हमें बाल्टिक स्टेट्स, ठीक है, ये वाले कंट्रीज में नजर आते हैं। राइट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें यूरोपियन, खासतौर पर ईस्टर्न और साउदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमें नजर आता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर काफी चेंजिंग आई। हुआ ये कि जब कांग्रेस ऑफ वियना का जो हमने टाइम पीरियड देखा है उसके अंदर जो मैट्रोनिक सिस्टम है 1815 से 1848 तक, जिसके अंदर वो डिफरेंट रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को कर्टेल करता है, ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई पीस है, वहां पर डिफरेंट नेशन थी। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर आप इस मैप पे देख रहे हैं, ये जितनी भी नीचे कंट्रीज हैं जो आज हमें नजर आती हैं, ये सारी कंट्रीज उस वक्त ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंदर थे, सिवाय इसके कि जो ऑटोमन एम्पायर की इस तरफ कुछ कंट्रीज थे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्टर्न क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा द डाउनफॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, रेजिंग द क्वेश्चन ऑन द रशियन इन्वॉल्वमेंट इन द यूरोपियन पॉलिटिक्स एंड द कंसर्न्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एज वेल एज द ग्रेट पावर्स फ्रॉम द लाइक फ्रांस एंड ब्रिटेन, ओवर ऑल दीज जो ईस्टर्न क्वेश्चन पढ़ा, उन सबको सामने रखते हुए अब हमने जैसे वर्ल्ड वॉर वन पढ़ी, फिर वर्ल्ड वॉर वन के बाद का जो पीरियड था उसको देखा, पोस्ट सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी, उसके बाद कोल्ड वॉर का पीरियड देखा, और अब यूरोपियन पॉलिटिक्स को उसी एंगल से हम उसी मैप को साथ लेके चल रहे हैं। तो एक मेजर इवेंट होता है, हुआ ये कि यूगोस्लाविया एक ये समझने के स्टेट है जो कि डिफरेंट नेशंस और एथनिक सिटी के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसमें क्रोशियंस भी थे, बोस्नियंस भी थे, सर्बियंस भी थे, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानियंस, मोंटेनेग्रो, सेल्बोनिया और डिफरेंट नेशंस थी। हुआ ये कि ये जो यूगोस्लेविया है ये अंडर था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, कम्युनिज्म के अंडर था, यानी उसका अलायंस में था कोल्ड वॉर को, तो जब वो टूट गया तो यहां भी हमें क्रैक्स नजर आए विद इन दिस, क्योंकि इटसेल्फ जो इसका फादर था यूएसएसआर वो ही टूट गया, तो इसके अंदर भी जो डिफरेंट नेशंस थी उसमें भी क्रैक्स आना स्टार्ट हो गया। एक ये वजह बनी, दूसरी वजह यूगोस्लाविया का जो लीडर था कम्युनिस्ट उसका नाम था टीटू, TITO, टीटू, ये 1980s के अंदर इसकी डेथ हुई, इसने ये सारा कंट्रोल किया हुआ था काफी काल से, जैसे मैट्रोनिक्स ने कंट्रोल किया हुआ था हब्सबर्ग एम्पायर। जैसे ही ये डेथ होती है टीटू की, तो ये फेडरेशन जो थी काइंड ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज और नेशनल, वो हमें नजर आती है टूटती हुई। राइट आफ्टर द डेथ ऑफ टीटू इलेक्शंस होते हैं, कोल्ड वॉर का पीरियड एंड हो चुका है, अमेरिका सुपर पावर के तौर पर नजर आता है, और अब उसकी आइडियोलॉजी
जो है वो वन कर जाती है ग्लोबल पॉलिटिक्स पर। तो यूगोस्लाविया के अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। यूगोस्लाविया में आपके मैप के सामने है ये डिफरेंट नेशंस थी, सेल्बोनिया, क्रोशिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, बोस्निया और मोंटेनिग्रो, मोंटेनिग्रो, यानी मेन तो ये सिक्स रिपब्लिक्स थी जिसने यूगोस्लाविया को बनाया हुआ। यूगोस्लाविया मतलब कलेक्टिव फेडरेशन थी। ठीक, जैसे इलेक्शन हुए तो दो तरह की हमें कंपेन्स, पॉलिटिकल कंपेन्स नजर आई। आफ्टर द डेथ ऑफ जस्ट अ मिनट, सो ये वाली जो एलिमेंट है इन डिफरेंट रिपब्लिक इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर दो तरह की आइडियोलॉजीज हमें नजर आ रही थी, एक एथनिक और एक नेशनलिस्टिक थी। यानी एक वो थे जो चाहते थे कि यूगोस्लाविया जैसे पहले था, तमाम कंट्रीज, तमाम नेशंस इकट्ठी थी, वैसे हो जाए। दूसरे थे नेशनलिस्टिक, जो चाहते थे अपनी अपनी नेशन को लेकर आजाद हो जाए। इलेक्शन हुए तो जो नेशनलिस्ट थे वो जीत गए। नाउ दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन पॉलिटिक्स, स्पेशली इन यूगोस्लाविया। इसको हम बाल्कन क्राइसिस 1990s कहते हैं। ये पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर हुआ। इसमें सबसे पहले जो सेल्बोनिया और क्रोशिया आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन और रेडिश कलर के अंदर, नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रिया के बिल्कुल साथ, सेल्वेनिया और क्रोशिया, इन दोनों ने डिमांड स्टार्ट कर दी डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर जो लोग रहते थे उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवॉल्विंग ऑफ पावर्स की बात करना स्टार्ट कर दी। जो सर्बिया था उसने रेजिस्ट किया कि हम इस तरह की कोई भी मूवमेंट को नहीं करेंगे। खैर, सिल्वोनिया और क्रोशिया ने सिविल वॉर स्टार्ट हो गई सर्बियन आर्मी के खिलाफ, और 1991 के अंदर सिल्वोनिया अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है। सिल्वोनियंस जो नेशन है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। अब क्रोशिया रहे, क्रोशिया 4 साल तक वॉर लड़ता रहा सिविल, और 1995 के अंदर जाकर ये भी आजाद हो गया। जब ये दोनों आजाद हुए तो बोस्नियन हर्जेगोविना ने भी कहा कि हम भी यार अपनी अलग नेशन बनाएंगे, हम भी आजाद हैं। जैसे ये हुआ, उन्होंने भी रेफरेंडम करवाया। बोस्निया के अंदर बेसिकली टू टाइप्स के नेशंस थी, एक थे मुस्लिम, बोस्नियन मुस्लिम्स थे, और क्रोशियंस थे। बोस्निया के अंदर मुस्लिम्स एंड क्रोशियंस 60% ये थे, और 30% सर्बियंस थे। जो 30% सर्बियंस थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिल्वोनिया और क्रोशिया ये आजाद हो गए, ये काफी है आपकी, ये नहीं इसमें नहीं। उन्होंने रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो सिल्वोनिया और क्रोशिया के अंदर हुआ वही सिविल वॉर यहां पर स्टार्ट होगी। लेकिन यहां पर सिविल वॉर की नेचर कुछ और थी। यहां पर ये टर्न हो गई एथनिक से रिलीजियस वॉर के अंदर भी, जहां पर जिसमें सिविल वॉर इतनी ब्लडी हो गई कि थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स, बोस्नियन मुस्लिम्स को स्लॉटर्ड कर दिया गया विद इन फ्यू डेज, और
थाउजेंड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स मुस्लिम वुमेन को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया बाय द सर्बियंस, सर्बियन आर्मी। जब ये बहुत ज्यादा यानी कि मैसेकर्स और ये बहुत ज्यादा सिविल वॉर जो है ना वो वॉर क्राइम्स के अंदर कन्वर्ट हो गई, वॉर क्राइम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे क्राइम्स जो ह्यूमन राइट्स के फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, इंटरनेशनल लॉ की टर्म है, तो फिर फाइनली नेटो ने इंटरवीन किया अगेंस्ट द सर्बियंस एंड इन फेवर ऑफ बोस्निया हर्जेगोविना, और इस तरह बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया और क्रोशिया यानी के ये काइंड ऑफ ये हमें आजाद होते नजर आते हैं। ये डेटॉन एग्रीमेंट था नेटो की वजह से ये हुआ जिसमें ये हमें आजादी मिली। अब ये तीन हो गए, अब रह गए कसोवो। कसोवो जो है उसके अंदर भी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, उन्होंने भी आजादी की जंग लड़ना स्टार्ट कर दी 1998 के अंदर। यहां पर जब सिविल वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गई कोसोवो और सर्बियंस के दरमियान, तो फिर नेटो ने इंटरवीन किया और नेटो ने कोसोवो का साथ दिया और सर्बियंस का साथ दिया रशिया ने, और इस तरह कोसोवो ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी लेटर ऑन 2008 के अंदर। और आज भी ये इशू चल रहा है कोसोवो में, मैसिडोनिया के पिछले दिनों भी इशू चल रहा था फाइनली। तो ये बाल्कन क्राइसिस हमें नजर आता है उसी पीरियड के दौरान। इट वॉज अ शॉर्ट क्राइसिस जो कि हमारे टॉपिक का, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि आपको पता हो। इसके बाद हम देखेंगे यूरोपीय यूनियन की हिस्ट्री और उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ यूरोपीय यूनियन। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये बेसिकली करंट जो एक्सपेंशन हमें नजर आती है यूरोपीय यूनियन की, उसका ये मैप है, और ये ब्रेक्सिट की बात का, और रिसेंटली इसमें क्रोशिया भी ऐड हो गया है, एमसीक्यूज भी आया हुआ था वैसे पीएमएस में। तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि कौन से एग्रीमेंट्स, कौन से इवेंट्स, कौन सी डेवलपमेंट्स हुई जो आज हमें यूरोपीय यूनियन की फॉर्म में नजर आती हैं। राइट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर हमें यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन नजर आती है, जिसने एक पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया और दूसरी तरफ हमें कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड भी नजर आता है। ये भी चल रहा था वर्ल्ड बाइपोलर ग्लोबल पॉलिटिक्स में कन्वर्टेड थी, जिसमें सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अमेरिका लीड कर रहा था। इसके बियॉन्ड यूरोपियन पॉलिटिक्स, क्योंकि जाहिर है हमने यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यूरोपियन पॉलिटिक्स पे क्या हुआ था उस दौरान अदर देन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, तो वो थी डिफरेंट इंटीग्रेटिंग
खास तौर पर पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्लान्स में देखने को मिले, और उसकी रीजन ये थी कि टू ब्लडी वॉर्स वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू ने यूरोपीय यूनियन को टोटली वहां पर को ब्रेक कर दिया, डिवास्टेशन वहां पर हमें नजर आती है। तो फाइनली जो बिजनेस कम्युनिटी थी वहां पर, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस के अंदर, उन्होंने सोचा कि हम मजीद अब अपने कंट्रीज को ये पॉलिटिक्स की नजर नहीं होने दे सकते, लेट्स स्टार्ट ट्रेड एंड क्रिएट द इंटरडिपेंडेंसी। सो वेन एवर अ कंट्री थिंक ऑफ अ वॉर, इट शुड थिंक ट्वाइस। सो इस बेसिक मकसद के तहत उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ कदम उठाना स्टार्ट कर दिया। इसमें पहले तो 1949 के अंदर हमें नेटो नजर आती है, लेकिन ये तो एक मिलिट्री डिफेंस के फॉर्म में नजर आती है। इसके अलावा जो हमें एक और काउंसिल ऑफ यूरोप के फॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन नजर आता है 1949 के अंदर, जिसका काम था ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन और डेमोक्रेटिक आइडियल्स को प्रमोट करना यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन इसने अभी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात नहीं की। इसके बाद जब 1950 के अंदर सिचुमन प्लान आता है, जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी और फ्रांस की कोल एंड स्टील की इंटीग्रेशन की बात की गई, कोल एंड स्टील की इंडस्ट्रीज की इंटीग्रेशन की बात की गई, दैट वॉज जिसको हम वो कहते हैं कि लॉन्चिंग पैड फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज जो आज हम देखते हैं। उसके बाद अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई गई, ECSC। ये बेसिकली सिचुमन प्लान के अकॉर्डिंग ही थी। इसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी आ गई। इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी भी ऐड कर दी गई। अब ये इंटीग्रेशन की तरफ हम देख रहे हैं कैसे ये इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर पार्लियामेंट नजर आती है, अदर देन ऑल कंट्रीज के अंदर, अलावा बेल्जियम के अंदर एक यूरोपियन कंट्रीज की पार्लियामेंट, जैसे कि जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन, वैसे एक पार्लियामेंट नजर आती है, यूरोपियन पार्लियामेंट 1958 में। यानी आप शुरू के पीरियड में देखें, राइट आफ्टर द 1945 और 60s तक, तो पार्लियामेंट इंटीग्रेशन ऑफ स्टील एंड कोल इंडस्ट्रीज जर्मनी और फ्रांस की, ये हमें नजर आती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। और 60s के अंदर अगर हम देखें, 1960s से लेकर 1970 तक, तो यहां पर हमें मजीद इंटीग्रेशन नजर आती है, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। इंटीग्रेशन किस तरह? इसी दौरान यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन होती है 1960 में, इसी दौरान ट्रीटीज विद कॉलोनीज होती है टू मेक श्योर के कॉलोनीज को खत्म, इंपीरियलिज्म को खत्म कर दिया जाए और सोलोली फोकस किया जाए अपने अपने कंट्रीज पर। इसी दौरान एग्रीकल्चर पॉलिसी आती है यूरोपीय यूनियन की, इसी दौरान कस्टम यूनियन बनती है 1968 के अंदर, एक फिर मर्जर ट्रीटी भी साइन होती है 65 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ये तमाम स्टील कम्युनिटी वाली भी
एटॉमिक एनर्जी वाली भी, इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, ये तमाम, और पार्लियामेंट ये भी, और काउंसिल ऑफ यूरोप, ये सारी कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1965 की ट्रीटी, मर्जर ट्रीटी इसको कहते हैं। इसमें सारे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एटॉमिक एनर्जी यूरोपियन, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक कमीशन और काउंसिल्स में और कस्टम यूनियन। ये 60s के पीरियड में हमें नजर आती है। 70s का पीरियड देखें हमें तो उसमें मजीद हमें ग्रोइंग नजर आती है। इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी ट्रीटीज हो रही हैं 1970 के अंदर, न्यू मेंबर्स ऐड हो रहे हैं जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर यानी कि यूके ऐड हुआ। यूके की पहले उसने दो तीन दफा कोशिश की लेकिन फ्रांस ने उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर द पॉलिटिकल रीजंस एंड द इकोनॉमिक रीजंस एज वेल। आयरलैंड ऐड होता है, ये आयरलैंड आप देख सकते हैं मैप पे सारे कंट्रीज है। इसी तरह डेनमार्क ऐड होता है। इसी दौरान 70s के दौरान हमें स्पेन पोर्चुगल के अंदर प्रॉपर ग्रीक के अंदर इनके अंदर हमें डेमोक्रेसीज फुल फॉर्म के अंदर नजर आती हैं और फर्स्ट टाइम यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन भी इसी टाइम पर होते हैं 70s के दौरान, 1978-1979 के दौरान। एटीज के अंदर अगर हम जाएं तो हमें स्पेन पोर्चुगल और ग्रीक ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है इस कम्युनिटी को और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिंगल मार्केट की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो यूरो करेंसी है और इकोनॉमिक सिंगल मार्केट जो है, ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए गए हैं, इस तरफ मूवमेंट हमें 80s में नजर आती है। एरास्मस प्रोग्राम वगैरह और फिर जब बर्लिन वॉर जो है वो टूट जाती है फाइनली, तो फिर ये मजीद इंटीग्रेट हो जाती हैं ये सारे कंट्रीज। और 1990s के अंदर तो फिर जब यूगोस्लाविया की ब्रेकअप होता है, जो अभी मैंने बाल्कन क्राइसिस पढ़ाया, इस पीरियड के अलावा हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन नजर आती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे कंट्रीज जो अंडर द सोवियत थे वो आजाद हो जाते हैं। ये सारे ईस्टर्न, इस्टोनिया, लिटाविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेको, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारे कंट्रीज, यूगोस्लाविया, हाफ ऑफ द जर्मनी, ये सारे कंट्रीज जो है हमें ज्वाइनिंग एकदम से मास लेवल पर ज्वाइनिंग होती है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 के अकॉर्डिंग यूरोपीय यूनियन बनती है। 1993 के अंदर सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्री ट्रेवल्स 1995 के अंदर, इसी तरह 1994 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है सारे कंट्रीज के, नो बैरियर्स। फाइनली अंडर द ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम ये हम सिंगल इकोनॉमिक एरिया और फिर 1990 के अंदर और 2000 के अंदर हमें यूरो की फॉर्म के अंदर, फाइनली 2002 के अंदर यूरो लॉन्च हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये तो एक हिस्ट्री है ना, इसमें नोबेल प्राइज भी इसने विन किया है यूरोपीय यूनियन ने। क्लाइमेट चेंज के अंदर इसका काफी बड़ा रोल है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ अपना देख रहे हैं और अपनी इकोनॉमिक, बल्कि आप जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए भी इन्होंने काफी जो है ना पैकेजेस दिए हैं। लाइक जैसे कि पाकिस्तान एक बेनिफिशरी है बहुत बड़े पैकेज का, GSP प्लस स्टेटस, उस स्टेटस के मुताबिक, ये GSP प्लस स्टेटस के मुताबिक हमें फ्री एक्सेस है
इन द यूरोपियन मार्केट्स, यानी यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के अंदर, विद मिनिमम टू जीरो टैक्सेस ऑन आवर एक्सपोर्ट। हमने खैर बहुत ज्यादा गेन नहीं किया, लेकिन काफी हमने उससे अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज की है। सो दिस इज हाउ द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके पार्लियामेंट को, उसके अंदर किस तरह ये सिस्टम चलता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।